पिछले 6 महीने से ग्राम पंचायत सुंदरी पहाड़ टोला में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र महीने में 1-2 बार ही खुलता है, जिससे कमला जो एक धात्री महिला हैं उन्हें पूरक पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। कमला जैसी लगभग ऐसी 15 महिलाएं और भी हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं, पर सेविका के द्वारा न तो आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा रहा है और न ही पूरक पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कमला। ये बच्चा आपका कितने दिनों का है? 20 दिन के लगभग। तो आंगनवाड़ी केंद्र से कुछ बना हुआ पोषाहार वगैरह कुछ मिलता है लाने के लिए घर? नहीं, कुछ नहीं। आपकी बच्ची का नाम क्या है? बसंती। बसंती, इसको परेशानी क्या है? विकलांग है क्या ये? हाँ, डाड़ में जोड़ नहीं लागे, लच्चा पच्चा हिठाला, पैर सीधा बढ़िया नहीं खे, और बोलबे नहीं करे, सुनबे नहीं करे। तो इसको बचपन से जैसे पोषाहार वगैरह मिला कुछ की नहीं मिला? नहीं, ये को कहियो नहीं मिला है। आपके इन बच्चों को पोषाहार मिलता है? कुछ नहीं। और ये आपके जो धात्री माता हैं या गर्भवती लोग हैं उन लोगों को कुछ मिलता है बना बनाया भोजन वहाँ से कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और बच्चों को वहाँ पोषाहार भी नहीं मिलता है? कुछ नहीं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि पूरक पोषाहार न मिलने से बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। मैं यह बदलाव चाहता हूं कि आंगनवाड़ी केंद्र डेली खुले और बच्चों को तथा धात्री एवं गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार मिले, ताकि बच्चों का बेहतर शारीरिक विकास हो सके। मैं अपील करता हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वे हमारी मदद कर सकते हैं। ब्लॉक बभनी के CDPO श्रीमती पार्वती देवी के मोबाइल नंबर 9415961310 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं। मैं मोहम्मद जावेद अंसारी, सुंदरी दुद्धी, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।